नमस्कार, मैं डॉक्टर वासुदेव शेट्टी, महारानी महिला विज्ञान कॉलेज मैसूर में हिंदी विभाग में सह प्राध्यापक हूँ। इस समय मैं मोहन राकेश द्वारा लिखित मवाली कहानी पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। 1925 में जन्मे, जालंधर में जन्मे मोहन राकेश मात्र 1972 तक ही हमारे बीच में रहे। पंजाब विश्वविद्यालय में अपनी उच्च शिक्षा समाप्त करने के बाद वे वहाँ अध्यापन कार्य भी करते हैं और इसके बाद कुछ समय तक दिल्ली और शिमला में भी काम करते हैं। सारिका और नाही कहानियां दो मैगजीनों का संपादक भी वे रह चुके हैं। आषाढ़ का एक दिन लिखने के बाद, नाटक लिखने के बाद वे नाटककार के रूप में काफी प्रसिद्ध हो जाते हैं। इनके अन्य कृतियां हैं मलबे का मालिक, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी। प्रस्तुत मवाली कहानी में मोहन राकेश अपने सूक्ष्म इच्छा को व्यक्त करते हैं। एक लड़का है 13-14 साल का, अजीब आवार की उसमें उसके आंखों में दिखाई देता है, खुजले हुए बाल, घुटनों तक पहने हुए मैले कमीज और जेब में जो बीच में मिले हुए बहुत सारे जो सीपियों को जो सुंदर रहता है उसे अपने जेब में रखता है, जो कास्ट नहीं है उसे फेंकता है। और चौपाटी की खासियत है वहां नेताओं के भाषण से लेकर दवा देने वाले, ज्योतिष से पता नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं है जो नहीं है कह सकते, उतना सारे तरह तरह के लोग हैं। और शाम को बहुत सारे लोग समय पास करने के लिए, खुशी महसूस करने के लिए आते हैं, हवा लेने के लिए। और ये सागर की खासियत है, लहरों को एक के बाद एक आते हुए लहरों को देखने का मजा ही कुछ और है। ये अनिर्वचनीय है, शब्दों के सहारे व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। और ये लड़का उस भाषण वहां है, जो भाषण अभी अभी समाप्त हुआ है एक नेता का, और शामियाने वाले उसे पैकअप कर रहे हैं। और ये उससे गुजरता है, गुजरते समय नेता के उसके भाषण का नकल करता है और शामियाने वाला डांटता है, तब उसे जीभ दिखाकर मुंह टेढ़ा करके वहां से भाग निकलता है और भागते समय एक भीख मांगने वालों से टकराते हैं और वे डांटता है ये अंधे, और मलबार हिल की तरफ से आने वाले बसों की तरफ देखता है और इस तरह जाते समय ये बड़ा पत्थर से टकरा कर गिर जाता है। इसके घुटने छिलने हो जाती है, खून रिसना शुरू होता है, उसे रेत से मलता है, काफी दर्द देने वाली है, लेकिन वो कुछ ऐसा करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और कुछ बाकी जो रेत को हवा में उड़ाता है, लहरों की तरफ देखता है, आकाश में जो बादल है, बादलों का तरह तरह का जो दृश्य, जैसे मगरमच्छ हो और मगरमच्छ कुछ खा रही हो, ऐसे उसे देखते हैं। अंधेरा धीरे धीरे छा रही है। एक बच्चा अपने माँ के साथ गुब्बारे वालों के पास आते हैं, बलून बेचने वाले पास। ये लड़का, ये मवाली उसको भी छेड़ता है और उसे भी डांट खा के आगे निकलता है। चरनी रोड स्टेशन पर लोकल गाड़ी आती है और वहां से वो ग्रैंड ट्रंक रोड की तरफ निकलती है और बहुत सारे लोग उतरते हैं, ग्रैंड रोड की तरफ निकलते हैं, सॉरी, हजारों लोग वहां से उतरते हैं। हर क्षण नया चेहरा, आप इमेजिन करके देखिए कैसे रहेगा मुंबई जैसे महाशहर में, सुबह काम करने के लिए निकलने वाले और थक कर आए हुए लोग, उनको घर जाने की जल्दी है, और भैया लोग जो दूध बेच के आए थे उनको कालवी बटलू यानी कैन के साथ वो आते हैं। इस समय वो एक अजीब आवाज करता है, किप किप किर, देखता है अगल बगल में, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, कौन ध्यान देंगे, वे इस तरह के बहुत सारे लोग हैं वहां पर। और ये फिर थोड़ा आगे निकलता है, वहां एक परिवार वाले गेंद उछालने की प्रतियोगिता कर रहा है, छोटे बच्चों से लेकर सब लोग हैं, दरी बिछा के थोड़ी देर पहले वो खा पी के होंगे, अब वो प्रतियोगिता कर रहे हैं। बाहर प्रकाश कम होती जा रही है, बहुत सुंदर दृश्य है। ये लड़का उसे देखता है, वो वहां 15-16 साल की एक लड़की है जो नीले दुपट्टा बांध के वो भी खेलती है। हर बार वो उछालते समय उसकी एड़ी थोड़ा 4-5 इंच ऊपर उठता है, ये भी उसी की तरफ देखता है, ये भी उसी तरफ उठता है। इस तरह अब प्रकाश कम होने के कारण प्रतियोगिता कम हो गई यानी समाप्त हो गई, और ये लड़की आपस में बाल से खेल रही है और अचानक बहुत ज्यादा मुंह होने के कारण वो सागर में वो बाल छली जाती है। प्रकाश कम है,
ओ कहती है, लेकिन वो लहरों में जाने से पहले ये लड़का उसे पकड़ के लेके आता है। उस परिवार के जो मुखिया होगा वो कहता है, बारीक गर्दन वाला, तेज आंखें हैं तेरा, तेरा आंखें काफी शार्प हैं। और वो परिवार के मुख्य स्त्री कहती है, और वो लड़की कहती है, चमगादड़ की तरह, जैसे बैट की तरह लपका। और वो स्त्री कहती है, चल हमारे सामान ठीक कर, इधर ही सब तह कर ले, जाते साथ जाते हैं, एक दो आना कमा के जाएगा, मंजूर है। ये थोड़ा देर करते समय वो आदमी जो मुखिया है गरिया, वो अजीब से नाराजगी से देखता है, लेकिन ये मंजूर है कहकर, नहीं नहीं पहले वो प्लेट वगैरह साफ करके आ जाओ, झूठन प्लेट यानी ये सब ये खा के छोड़े हैं। लड़का उसे लेके जाता है, रेत से मलकर साफ करके लेके आता है। टोकरी में रखते समय वो महिला पूछते है, उसे गिन कर रखो, प्लेट पूरी 6 है ना? हाँ 6 है, चम्मच 5 है, एक कम, एक कैसे कम हो गया? मुझे मालूम नहीं, तुझे पता नहीं, कहीं रखा आया होगा, रखा है ये छोर। ऐसे कुछ बातें करते हैं और डांटते हैं, और वो परिवार के मुखिया उसको पकड़ता है, तुझे मालूम नहीं है तो तेरे बाप को मालूम है। इस तरह कहते हैं, जरा जेब में निकाल दो, जेब में मेरा अपनी चीज है, कहता है तेरा अपनी चीज क्या है। और ये उसके जेब में शक्ति डालकर उसकी सारी चीजों को छोड़ते हैं, यानी जोर से पकड़ लेते हैं, उसे बहुत सारी टूट जाती है। और सारी चीजों को देख के वो परिवार की स्त्री कहते, मिला नहीं। और ये सारे मैं, वो कहता है, इसमें अपनी चीज है, मेरे माँ के आखिरी निशान है, ये आखिरी निशान, कहीं भी चोरी किया होगा, ऐसे कहते हैं, और सारी चीज फेंक देता है। और इससे पहले वो जब मुझे मालूम नहीं कहते, एक तमाचा भी मारता है ये लड़का, अपने माँ के आखिरी निशान को ढूंढता है, प्रकाश कम है, बहुत दुख होता है उसको। और ये परिवार के मुखिया सागर के तट पर जाके वापस आता है, चम्मच नहीं मिला। लेकिन माँ के आखिरी निशान न मिलने के कारण ये मवाली बहुत नाराज हो जाता है, उस आदमी को पकड़ लेता है, मेरा माँ की टीका दे दो, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगा, वहीं कहीं पड़ा है, देव कहते हैं। लेकिन नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, ये और मारते हैं, और मारो, मुझे मार डालो, मैं छोड़ूंगा नहीं, कहते हैं। इस बीच में कुछ लोग आते हैं, इससे उसको मार खाना थोड़ा कम होता है। जरा इतना छोटा लड़का है, कितना बदमाश है, जरा सी उम्र में सब कुछ सीख लेते हैं, ऐसे वो कहते हैं, मेरा बस चलता तो मैं इनको गोली से उड़ा देता। पता नहीं वो चम्मच, वो अंधे अंधेरे हैं, प्रकाश कम है, चम्मच वहीं कहीं गुम हो गया, गिर गया, या लहरों के शक्ति से वो उछली गई होगा, क्योंकि लहर बहुत तेज होता है, शक्तिशाली होती है। और अब धीरे धीरे लोग भी कम होते जा रहे हैं, और ये लोग उनको, कुछ लोग पकड़ के खड़े थे, और कुछ लोग आके कहते हैं, क्या हुआ है? चोरी वोरी की है, मार वार पड़ी है, ऐसे वो बातें करके निकलते हैं। कुछ लोग कहते हैं, आप परिवार वाले चले जाइए, इनसे क्यों लड़ते हैं, मेरे बस चलता है तो इनको गोली मार देता, ऐसे वो कहते हैं। यहाँ मोहन राकेश हमारे ऊपर बहुत सारे उछाल को छोड़ देते हैं, ये परिवार वाले उस लड़के से इतना सब काम करने के बाद, क्योंकि कहना बहुत मुश्किल है, वो सचमुच चोरी किया है, वो सागर में चली गई, कहाँ गुम हो गया, कौन इसके निर्णय करे। और ये बहुत सारी गाली देते हैं, फिर ढूंढता है और एक नारियल को फेंक देता है, वो सागर के तट पर चली जाती है, फिर वो औंधा लेक जाता है, और पार्क में लोग भी कम हो रहे हैं। कहने के लिए बहुत सरल विचार है, बहुत कम है, लेकिन बहुत प्रश्न हमारे समाज के ऊपर मोहन राकेश जोड़ते हैं। वो परिवार वाले इतने सब काम करने के बाद चाहे तो छोड़ सकते थे, और ये लड़का गाली देते हैं इस तरह। वो इनके, इन परिवारों, उनके गेंद उछालने के प्रतियोगिता देखने से पहले एक फारसी कहता है, हे बच्चे, इस मेरे गोद में रहे हुए इस बच्चे को, सोए हुए बच्चे को शीतल बाग तक ले चल, मैं एक आने दूंगा, जो काली नहीं कहता, चल दो आने दूंगा, खाली नहीं। तब वो डांट के उस स्त्री के साथ जाता है, खाली नहीं कहता। ये लड़के का अजीब ढंग है, लेकिन इस परिवार वाले जब एक दो आने देने के लिए तैयार होता है वो देते हैं। हो सकता है उस वहां 15-16 साल की जो लड़की है उसको भी देख रहा था, क्या है, प्रश्न बहुत सारे हैं। और चौपाटी जो है बाटे में बहुत खुलती है, ज्वार बाटा आपको सागर की विशेषता है, बाटे में सागर कम
कम हो जाता है उसका जो लेवल जो है, और जार में वो उथर के आती है काफी तट के काफी करीब होती है। तो इसकी विशेषता है खुलकर बहुत सुंदर ढंग से वहां के जो नेचर, वहां के लोग, और बहुत सहज रूप से देखने वाले मौली जैसे लड़कों के बारे में व्यक्त किए हैं मोहन राकेश। प्रणाम।